फॉर वन डी। चलो आज बेसल इक्वेशन पढ़ते हैं। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हम वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बेसल फंक्शन कहते हैं। ओके, ये तो बेसल इक्वेशन बोलते हैं। तो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कैसे सॉल्यूशन? वैसे सॉल्यूशन जो पावर ऑफ एक्स के फॉर्म में, ओके, पावर ऑफ एक्स के फॉर्म में, डेट इज़ वाई जो रहना चाहिए वो पावर किसका रहना चाहिए? एक्स के पावर में रहना चाहिए। तो हम लोग मान सकते हैं कि वो ए नोट एक्स टू पावर एम में होगा, ओके, प्लस ई वन एक्स टू पावर एम प्लस वन के फॉर्म में होगा। हम यहाँ पर एक्स का पावर जो ले रहे हैं वो एसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। तुम चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हो, पर वो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए हम एक्स का पावर हम एसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, और जो इसका इंटीग्रेशन होता है वहाँ पर ये हेल्पफुल होता है। इसीलिए यहाँ पर एक्स का पावर एसेंडिंग ऑर्डर में लिया जा रहा है। तो इसी टाइप हम यदि चलते जाएँ तो ये कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक चलेगा, ओके। तो हम y को जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ, यदि हम r को जीरो से माने तो ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। और क्या हो जाएगा? ये r हो जाएगा x का पावर m प्लस r हो जाएगा, ओके। तो मान लो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हमको क्या करना है कि पहला इक्वेशन में किसका किसका वैल्यू पुट करना है। हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और हम क्या करेंगे कि इक्वेशन वन में हम पुट कर देंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो इसका निकलेगा वो क्या निकलने वाला है? वो निकलेगा सिग्मा ऑफ आर टेंड्स जीरो इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसका जो एक्स का पावर है एम है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और क्या जुड़ेगा? माइनस ऑफ वन। सो ए आर हो गया, एम प्लस आर हो गया, और क्या हो जाएगा? एक्स एम प्लस आर माइनस वन, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो चलो अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है इसका। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन इट गिव्स वॉट? इट्स गिव यू सिग्मा आर टेंस टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा? ए आर, इसका भी पावर क्या होगा? नीचे आने वाला है, तो एम प्लस आर, एम प्लस आर माइनस वन, और क्या हो जाएगा? पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो एम प्लस आर माइनस ऑफ टू। ओके, नाउ वी पुट दिस थ्री वैल्यूज इन इक्वेशन वन, ओके, वी पुट दिस थ्री वैल्यू इन इक्वेशन वन। So we have, so what we get? We get, what? तो वैल्यू पुट करो, तो एक्स स्क्वायर सिग्मा ऑफ, इसका वैल्यू हम पुट करें, ओके, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर एम प्लस आर माइनस वन एक्स का पावर एम प्लस आर माइनस टू। ओके, नाउ फिर प्लस व्हाट? एक्स और ये सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ए आर एम प्लस आर एक्स का पावर एम प्लस आर माइनस वन, अगेन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर वाई का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, तो हो जाएगा ए आर एक्स का पावर एम प्लस आर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको इनिशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, और हम इसको रिड्यूस यदि हम करें पावर एक्स का पावर
एम प्लस आर और एक्स की पावर समथिंग में, तो हमें और उसको क्या करना, लास्ट में इक्वेट कर देना किसके, जीरो के बराबर, क्योंकि इक्वेशन है और एक्स की पावर एम है तो उस कोएफिशिएंट को हम जीरो के इक्वेट करने वाले हैं। तो चलो पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ओके तो रिड्यूस करो, यदि एक्स स्क्वायर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ एम प्लस आर बचने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स है और यहाँ एम माइनस वन है, यदि फिर मल्टीप्लाई करें तो एक्स का पावर एम बचने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें, ये एक्स स्क्वायर था, ओके ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ एम प्लस आर है, तो हटाओ, यहाँ एम प्लस आर प्लस टू हो जाएगा और फिर एन के साथ हम इक्वेट करें तो एम प्लस आर ही देने वाला है। ओके तो चलो हम लोग लिखते हैं, क्या मिलेगा हमको, सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर एम प्लस आर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर अब मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा एक्स एम प्लस आर का, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म देखो तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स जो था इनटू होने वाला था इसके साथ, तो इनटू होगा तो ये सिर्फ यहाँ पर बचेगा एक्स का पावर एम। ओके तो ए आर एम प्लस आर एक्स का पावर एम प्लस आर, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके अब हम थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म में देखो एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस ऑफ एन स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यदि हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा यहाँ पर, सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू पावर एम प्लस आर प्लस टू, ओके एंड देन माइनस ऑफ एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमें देगा माइनस ऑफ एन स्क्वायर सिग्मा ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू पावर एम प्लस आर, और ये हमारे पास हो गया जीरो के बराबर। ओके तो हम देख रहे हैं कि एक्स का पावर एम आर एक्स टू पावर एम आर एक्स टू पावर एम आर कॉमन तो निकल सकता है ना, यहाँ पर तीन जगह एक्स टू पावर एम आर है तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और एक मेरा एक्स टू पावर एम प्लस आर प्लस टू इक्वल होता है तो इसको हम साइड में लिखेंगे। ओके तो चलो क्या निकालेगा, और ए टू पावर ए आर ए आर ए आर सभी तीनों में कॉमन है तो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, अब चलो एक्स टू पावर एम प्लस आर को अलग लिख लेते हैं, सिग्मा आर इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया, ए आर को हम कॉमन ले रहे हैं तो बच गया मेरा यहाँ पर एम प्लस आर फर्स्ट में एम प्लस आर माइनस वन। ओके और यहाँ पर क्या बचा, फिर बचा एम प्लस आर, और फिर देखो एन वाला में तो एन वाला में क्या ले लिया हम, ए आर को भी कॉमन ले लिए और एक्स टू पावर एम प्लस आर को भी कॉमन लेने वाले हैं तो बचेगा मेरे पास सिर्फ एन स्क्वायर। ओके तो ये हो गया बच्चों, क्या हो गया बताओ, ये हो गया एक्स टू पावर एम प्लस आर के लिए, फिर प्लस करो यहाँ पर और फिर क्या बचा था मेरा, एक्स टू पावर एम प्लस आर प्लस वन, तो दिस इज इक्वल टू सिर्फ एक्स टू पावर एम प्लस, चलो इसको साइड में लिख देते हैं, तो हो जाएगा प्लस सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ओके और हो जाएगा ए आर एक्स टू पावर एम प्लस आर प्लस टू और दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक इक्वेशन देख रहे हैं जो एक्स टू पावर एम प्लस आर में है और एक एम प्लस आर प्लस टू में है। तो चलो अब पहला समेशन को हम सॉल्व करते हैं, यदि हम पहला समेशन को हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखो एम प्लस आर है यहाँ पर और यहाँ पर भी एम प्लस आर है, यदि हम कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा बोलो, एम प्लस आर कॉमन निकाल लिए थे तो यहाँ बचा एम प्लस आर माइनस वन और यहाँ बचा प्लस ऑफ वन। ओके और यहाँ पर क्या बचा था, माइनस ऑफ एन स्क्वायर, ये करते तो क्या हो जाता, एम प्लस आर बचता
और ये हो जाता है एम प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर। समझ में आया बंटी? तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ओके, इसका वैल्यू हम क्या बताया अभी, ए आर था और कॉमन लिए हुए थे, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, इतना लिख सकते हैं एम प्लस आर का होल स्क्वायर ओके एंड माइनस ऑफ एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, किसका, एक्स पावर एम प्लस आर प्लस सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया, ए आर एक्स टू पावर एम प्लस आर प्लस टू एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, फिर अगेन जीरो। तो हमारे पास एक इक्वेशन आया है, ये वाला है ना, तो इस पे पावर है एक्स का पावर एम प्लस आर और एम प्लस आर प्लस टू। अब हम लोग को क्या करना है कि इक्वेट करना है कोएफिशिएंट को, एक्स के पावर एम के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना। यदि हम यहाँ आर का वैल्यू क्या पुट कर दें, जीरो पुट कर दें, तो एक्स का पावर एम बचेगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन जीरो के बराबर, तो इसका जो कोएफिशिएंट होने वाला है एक्स का पावर एम का, यदि इफ़ आर इक्वल टू हम क्या पुट करें, जीरो, तो एक्स का पावर एम का जो कोएफिशिएंट होने वाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। डैट इज़, तो हम क्या समझें कि जो होगा क्या होगा, जो ए नोट, हम आर का वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो ए नोट होगा, और आर का वैल्यू जीरो तो ए हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये इक्वेशन हो रहा है, या तो ए नोट जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, पर ए नोट कभी जीरो होगा ही नहीं, ए नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज़ अ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। ओके, तो हमारे पास क्या निकला, हमारे पास निकला या तो एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। ओके, इट मीन्स क्योंकि मेरे पास ए नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो था तो एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम है वो बराबर है एन के, या तो एम है जो बराबर है वो माइनस एन के। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, इक्वेट करते हैं एक्स का पावर एम प्लस वन कोएफिशिएंट को। क्या करेंगे, अभी हम इक्वेट किए एक्स का पावर एम के कोएफिशिएंट को, अभी अब इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एम प्लस वन टू जीरो, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। तो मतलब क्या है कि यहाँ आर का वैल्यू हम क्या पुट करें, वन पुट करें। ओके, आर का वैल्यू हम वन पुट करेंगे, तो चलो यहाँ पर देखो आर का वैल्यू वन पुट करेंगे तो एम प्लस वन मिलेगा, एम प्लस वन मतलब फिर वही आने वाला है, क्या आने वाला है, ए वन, क्या था मेरे पास, एक्स का पावर एम प्लस आर का जो कोएफिशिएंट था वो क्या था, ए आर था, एम प्लस आर का होल स्क्वायर था माइनस ऑफ एन स्क्वायर था। ओके, देखो आर का वैल्यू हम क्या पुट करें, वन पुट करें तो एक्स का पावर एम प्लस वन का कोएफिशिएंट है ये हो जाएगा, ए वन क्या होगा बोलो, ए वन और हो जाएगा एम प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन का होल स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा जीरो के बराबर। अब देखो अभी हम क्या देखें, यहाँ पर एम जो था वो एन के बराबर था और एम जो है वो माइनस एन के बराबर है। ओके, तो ये हम यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा कि जो अब यहाँ पर यदि हम एम का वैल्यू क्या पुट कर दें, एन पुट करें तो क्या हुआ, एम एम का वैल्यू यदि हम एन का, अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि एम जो है एन के बराबर, यदि हम एन का वैल्यू पुट करते हैं तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर, तो ये क्या जीरो के बराबर आ रहा है, ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना, ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ए वन होगा वो क्या होगा,
जीरो के बराबर होगा, समझ में? क्या हुआ, ए वन जो हुआ वो हमारे पास, डेट इज़ ए वन इज़ इक्वल टू जीरो, क्यों? बिकॉज ऑफ एम प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। किसी को तो जीरो होना था ना, तो ए वन क्या हो रहा है यहाँ पर, जीरो हो रहा है। नाउ सिमिलरली वी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की टू पावर एम प्लस वन, ना आई हैव टू राइट, ओके, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एम प्लस आर प्लस टू टू जीरो। अब क्या करना है, एक्स का पावर एम प्लस आर प्लस टू को क्या करना, जीरो करना। तो क्या होगा, वी पुट आर इक्वल टू वन, तो हमें क्या मिलेगा, ये आर प्लस टू मिलेगा। अब आर का जो वैल्यू प्लस टू में जा रहा है, ओके, यहाँ पर भी प्लस टू चल जाएगा, तो ये आर प्लस टू और क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आर का वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, आर का वैल्यू बोल रहे हैं हम, अब आर का वैल्यू आर प्लस टू पुट करो, ओके, तो ए आर प्लस टू हो गया, ए आर प्लस टू हो गया, और एम प्लस आर जहाँ जहाँ था वहाँ आर प्लस टू पुट होगा वो ई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एन स्क्वायर, कॉपी में पलट के देख लेना, और फिर हो जाएगा ये एक्स टू पावर एम होता है ना, फिर प्लस, और देखो इसका एक्स टू पावर एम प्लस आर प्लस टू, तो यहाँ पर क्या था, ये आर था क्या, ए आर है, तो प्लस प्लस ए आर, और ये बराबर हो जाएगा जीरो के। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, रिलेशन निकालेंगे, ओके, हम लोग रिलेशन निकालेंगे आर प्लस टू और ए आर के बीच में, तो क्या निकलेगा बताओ, ए आर प्लस टू क्या निकलेगा, ये प्लस टू जो निकला वो हमारे पास निकला माइनस ऑफ वन एम प्लस आर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू डेट, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे किसका, किसका, आर का, और हम उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। तो हमें पता है कि ए नॉट जो था वो नॉट इक्वल टू जीरो था, पर ए वन जो था वो इक्वल टू जीरो था, ओके। सिमिलरली जो ओड होगा ना उस सब क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, मतलब समझ रहे हो, जो ए थ्री निकलेगा, ए फाइव निकलेगा, ए सेवन निकलेगा, वो सब जीरो के बराबर होगा, क्योंकि जो हमारा ए वन था वो जीरो था, ओके, क्योंकि यहाँ पर जब ए वन आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो कर देगा। देखो यहाँ पर पुट करके वैल्यू देख लो, यदि हम यहाँ पर वन पुट कर रहे हैं आर का, तो ए वन आएगा, और यदि ए वन आया तो हमारा वैल्यू क्या देने वाला है, टोटल जीरो देने वाला है, ए थ्री क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर हो जाए। तो सिर्फ हमारे पास जो निकलेगा वो इवन के लिए निकलेगा, ओके, मतलब यदि हम आर का वैल्यू दो पुट कर दें, बंद करें खिड़की, आर का वैल्यू यदि हम दो पुट कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा ए फोर निकलेगा, और ई फोर जो होगा वो हमारा होगा वन बाय एम प्लस टू प्लस टू, इट मीन्स एम प्लस फोर, ओके, एंड माइनस ऑफ एन स्क्वायर, और ए क्या हो जाएगा हमारे पास ए टू, सॉरी पहले हमें ए टू का वैल्यू निकालना था, तो चलो हटा, यदि हम आर का वैल्यू क्या पुट करें, जीरो पुट करें, तो हमारे पास क्या निकलता है, ए टू निकलता है, और ए टू क्या होता है मेरे पास बताओ, आर का वैल्यू जीरो पुट कर दें तो एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस टू का
होल स्क्वायर एंड माइनस एन स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू व्हाट ए नॉट। साफ दिख रहा है कि नहीं यार? तो ए टू का वैल्यू पुट करो तो ए फोर जो होगा माइनस एम प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर, और एम टू का क्या वैल्यू था? माइनस वन बाय एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर ए नॉट। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारे पास बच रहा है एम प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर इंटू ए नॉट, ये हमारा वैल्यू है। तो अब क्या करना है? इसी प्रकार हम वैल्यू निकाल सकते हैं ए फोर ए वन ए थ्री ए फोर ए सेवन। ओड का तो हमें पता चल गया कि वो जीरो होने वाला था, और इवन का कुछ इस टाइप का आ रहा है। सिमिलरली हम ए सिक्स भी निकाल सकते हैं जो होगा ए नोट का ही कुछ कोएफिशिएंट। सिमिलरली हम ए एट का भी निकालेंगे जो ए नोट का ही ए जीरो का कोएफिशिएंट होगा। तो ए नोट का कुछ था कोएफिशिएंट, क्या था? एक्स का पावर एम था। ओके, अब जो ए वन था वो ए वन तो जीरो था, तो ए वन तो होने वाला है नहीं, तो क्या होगा? बचेगा मेरे पास ए टू, और ए टू का जो वैल्यू निकाले तो वो भी ए नोट के ही फॉर्म में था। क्या था? एम प्लस टू का होल स्क्वायर था और माइनस ऑफ एन स्क्वायर एक्स टू पावर एम प्लस टू था। और फिर इसी प्रकार ए फोर का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए फोर का वैल्यू पुट कर देंगे जो था वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके, कितना था? एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर, फिर क्या था? एम प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर। तो अब हमारे पास दो कंडीशन थे, तो दोनों कंडीशन को हम देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट होने वाला था। पहला कंडीशन क्या था? यदि इफ़ एम इक्वल टू क्या हो जाए? एन के बराबर हो जाए। और सेकेंड कंडीशन क्या था मेरा? यदि एम जो माइनस एन के बराबर हो जाए। यदि एम एन के बराबर हो जाए तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा वाई इक्वल टू ई नोट। देखो एम क्या हो गया? एन के बराबर हो गया। एम जो हो गया एन के बराबर हो गया, तो एक्स का पावर एन सभी में कॉमन होगा और ए नोट तो पहले से कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल ले रहे हैं समझे? तो यहाँ पर बचेगा वन और यहाँ पर बचेगा क्या? वन बाई ए नोट तो कॉमन निकल गया, एक्स का पावर एन भी कॉमन निकल गया, तो एक्स स्क्वायर बचा हुआ। क्या बचा हुआ? एक्स स्क्वायर बचा हुआ। ओके, और यहाँ पर क्या है? एन प्लस एन प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर। तुम यदि सॉल्व करोगे तो आने वाला है फोर एन प्लस वन। ओके, फिर प्लस वन अपॉन, तुम फिर से यहाँ पर ए एन का वैल्यू एनो ए जीरो को निकाल देना और एक्स का पावर एन को निकाल देना, तो यहाँ पर एक्स का पावर फोर होने वाला है और ये हो जाएगा फोर स्क्वायर इंटू टू का फैक्टोरियल एन प्लस वन एंड एन प्लस टू, और कुछ इस प्रकार ये सीरीज चलते रहेगी। उस देखो अब यहाँ ए जो ए नोट जो है वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। ओके, और सिमिलरली यह सेकेंड कंडीशन के देखें कि एम जो माइनस एन के बराबर है तो क्या मिलेगा हमको सीरीज? क्या हो जाएगा? एन की जगह माइनस सिर्फ हो जाएगा,
तो ए नॉट एक्स का पावर माइनस ऑफ एन। फिर देखो वन तो वन ही निकलने वाला था, सिर्फ एन के जगह हम क्या पुट एम के जगह माइनस एन पुट कर दे रहे हैं। ओके फोर माइनस एन प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर स्क्वायर टू का फैक्टोरियल एन प्लस वन एन प्लस टू और ये हो जाएगा एक्स का पावर फोर और ये सीरीज इसी प्रकार चलते रहेगी कि ये जो बेशल फंक्शन था ये पहला सॉल्यूशन हो गया अरे ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ओके तो बच्चा साहब यही तो दो इक्वेशन दो सॉल्यूशन है हमारे पास। ओके तो हम इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट काइंड सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं सेकंड काइंड सॉल्यूशन, समझे। हम इसको जनरल सॉल्यूशन में लिखना चाहें तो तुम जनरल सॉल्यूशन में भी लिख सकते हो, जनरल सॉल्यूशन में लिखना चाहो तो इसको हम यदि हम जेन एक्स मान लें। ओके ये प्लस के लिए था ना तो इसको हम जेन एक्स मान लेते हैं और ये माइनस के लिए है तो हम इसको जे माइनस एक्स मान लेते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन आने वाला था लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में तो कुछ कोएफिशिएंट के साथ मल्टीपल होके आएगा। ओके तो कोएफिशिएंट मान लो ए है जो जे एन एक्स के साथ है और फिर प्लस बी है जो जे माइनस एक्स के साथ है। तो ये हमारा जनरल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा किसके लिए बेशल इक्वेशन के लिए। ओके और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, समझा। थैंक्स।